पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के बारे में पूछो तो वो आतंकवाद और पाकिस्तान की बात करते हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के मुद्दे को लेकर दिग्विजय ने बीजेपी और शिवसेना पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के दिल नहीं मिल रहे, लेकिन सत्ता के लालच में गठबंधन किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। दिग्विजय ने प्रधानमंत्री से प्रार्थना करते हुए कहा कि बुनियादी तौर पर जो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर ध्यान दें, बैंकों की हालत बिगड़ रही है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के बारे में पूछो तो वो आतंकवाद और पाकिस्तान की बात करते हैं। अब ये भी खबर है कि गोल्ड कंट्रोल एक्ट लाया जा रहा है जिससे कि हर परिवार को सोना सीमित रखने के लिए कहा जाएगा। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह ने शिवसेना और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ता लोलुपता ऐसा गठबंधन करा देती है जहां दिल नहीं मिलते। सत्ता लोलुपता ऐसे गठबंधन करा देती है जहां दिल नहीं मिलते, लेकिन सत्ता के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। कश्मीर में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का आपने गठबंधन देखा था, जिस पीडीपी के साथ समझौता किया था भाजपा ने, वो सारे पीडीपी के नेता जेल में बंद हैं। शिवसेना और भाजपा का भी गठबंधन सत्ता के लिए था, कोई विचारधारा के ऊपर नहीं था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन भी था, बीजेपी ने सारे पीडीपी नेताओं को जेल में डाल दिया। शिवसेना और भाजपा का गठबंधन भी सत्ता के लिए था, कोई विचारधारा के लिए नहीं। अब बात 50-50 की हो रही है। विधान परिषद के गठन को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जो चुनाव नहीं लड़ सकते, साथ ही समाज के कई वर्गों को भी मौका मिलेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।